I hope and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of your class. The topic is the fantastic topic of this chapter, quadratic equation. How can you solve a quadratic equation with the method of completing the square? That is the new things for you, and because by factorization method you have to solve that type of factorization from class 8 also. So that is the new things. How can you solve a given equation with the help of completing the square method? Before starting this topic, I want to say something to you that you have to do a lot of practice for you and for your next term to exam. At the website of CBSE's sample papers of term 2 uploaded, and you have to download that paper from these websites, and you have to know that which types of preparation done by you, then you have to got a good marks in next exam. Now the topic, method of completing the square. How can you use this method? So focus at my videos. मैं एक रूल लिखवाने जा रहा हूं, उस रूल पे आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस दिमाग से कभी जाएगा नहीं, गारंटी है. तो द बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो इसमें क्या करेंगे, हम स्टेप्स कुछ लिख रहे हैं और साथ में 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन भी यहां लिख रहे हैं. 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 4.3 का फर्स्ट पार्ट. इसको भी हम सॉल्व करते जाएंगे और ये स्टेप्स बताते जाएंगे, सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे. फिर आप डांस करेंगे डिंक जगा और उसके बाद आप बिंदास घूमेंगे और बाबा मुझे तो आ गया, क्या दिक्कत है. देखिए पहला स्टेप, डिवाइडिंग बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए. इफ ए इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, ए की वैल्यू प्लस माइनस वन के इक्वल नहीं होनी चाहिए, इनके अलावा कुछ होनी चाहिए. इससे यहां अगर वन होता, अगर ये है वन है या माइनस वन है, तब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वन कर देते हैं. ए इज नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं. देखिए ए इज नॉट इक्वल टू वन कहने का मतलब ये है कि अगर ए की वैल्यू वन है तो हम डायरेक्ट सेकेंड स्टेप से आएंगे. सेकेंड स्टेप क्या है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, यहां लिखेंगे आफ्टर सेकेंड टर्म. एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग पहले ऐड करेंगे टर्म द स्क्वायर द हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ न्यू कॉफिशियंट ऑफ एक्स, क्योंकि पहले एक्स का कॉफिशियंट बी है, लेकिन जब ए से डिवाइड करेंगे तो बी बाई ए हो जाएगा, और जब बी बाई ए होगा तो उसके हाफ का स्क्वायर यानी बी बाई ए का हाफ बी बाई टू ए होगा. किसी भी नंबर का हाफ निकालने के लिए या टू से डिवाइड करते हैं या वन बाई टू से मल्टीप्लाई करते हैं. तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, अब देखिए यही काम करेंगे हम. अब इससे सब याद चल रहे हैं, डिवाइडिंग बाय टू, टू क्या है कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये हो जाएगा बेटा, अगर स्टेप कब करना चाहे तो माइनस सेवन बाय टू एक्स प्लस थ्री बाई टू इक्वल टू, ये टू से क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मतलब वन हो जाएगा. ध्यान दीजिएगा वन हो जाएगा, इसको डिवाइड करके 7 बाय 2 हो जाएगा x का कोएफिशिएंट. कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए यहां केवल x रहता है, x रहता है और अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं उसको हम x बाय 2 लिख देते हैं और फिर x बाय 2 का हाफ कर देना है, तो x को नहीं लेना है, x को बिल्कुल नहीं लेना है, ये 1 बाय 2 इंटू x हो जाएगा.
ये ध्यान रखना है, क्योंकि x के कॉफिशियंट के जो नया x का कॉफिशियंट बनेगा उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट कर देखिए, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, समझते जाइए बेटा, इसीलिए सब्ट्रैक्टिंग। 7/2 का हाफ क्या होगा, 1/2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7/4 हो जाएगा, 7/4 स्क्वायर, यानी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग आफ्टर सेकेंड टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x सेकेंड टर्म हो गया, प्लस 7/4 स्क्वायर माइनस 7/4 स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 7/4 स्क्वायर, प्लस 3/2 = 0, प्लस 3/2 = जो दस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इसके सेकेंड टर्म के बाद पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो एक्स का नया कॉफिशियंट है, एक्स का नया था पहले यहाँ एक्स का पीरियड 7 था, लेकिन डिवाइड करने के बाद एक्स का नया कॉफिशियंट क्या है 7/2, हमें माइनस प्लस से नहीं मतलब, अभी 7/2 का हाफ निकालेंगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7/4 का स्क्वायर, पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, द फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या समझिएगा आर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर आर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स अगर है ये फर्स्ट थ्री टर्म, अगर ये माइनस में है तो एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 49/16 प्लस 3/2 = 0, देखते जाइए जो फर्स्ट थ्री टर्म्स होगा वो याद तो एक लोग, सब प्लस में है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर बीच वाला माइनस में है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में प्लस 2ab और माइनस 2ab का फर्क होता है, अब हम इसका तोड़ेंगे दे जाएगा, अब चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद देन कैलकुलेशन, इसके बाद क्या करना है कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन क्या देखिए, एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर इसको उधर ले जाएंगे तो 49/16 माइनस 3/2, अब बेटा इसको हम सॉल्व कर लें, एलसीएम हो जाएगा 16, ये 49, 2 8 8 3 24 यानी 25/16, यानी ध्यान समझिएगा एक्स माइनस 7/4 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25/16, स्क्वायर का रूट आ जाएगा यानी ये हो जाएगा प्लस माइनस 5/4, क्या हो गया प्लस माइनस, तो बेटा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 7/4 जाके प्लस 7/4 प्लस माइनस 5/4, यानी इसको आप लिख सकते हैं 7/4 माइनस 5/4 एंड 7/4 प्लस 5/4, ऐसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, भले इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां देखिए 7 प्लस माइनस 5/4 लिख सकते हैं, दो जुटा बनेगा 7 प्लस 5/4 7 माइनस 5/4, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 5/4 ये हो जाएगा 12/4 एंड 2/4 ये हो जाएगा 3 एंड 1/2, आ गया 3 एंड 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से नोट भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए, ये देखिए हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है ये 12 हो गया, ये 12 7 प्लस 5 12/4 3 यानी 3 हो गया एंड 1/2 हो गया 3 एंड 1/2, आप चाहे तो यहाँ निकाल सकते हैं, देखिए 7 प्लस माइनस 5/4 इट मीन्स 7 प्लस 5/4 7 माइनस 5/4 ये हो जाएगा 3, 7 प्लस 5 12/4 3 हो गया एंड 1/2 7 माइनस 5 2/4 एंड 1/2 ये आ गया आंसर, तो आप चाहे तो इस तरह से निकाल सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड दैट्स वेरी इजी मेथड, कैसा इजी है
आप क्या करेंगे, बस ये तीन स्टेप आपको ध्यान देना है। पहला स्टेप क्या करना है, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट वन के अलावा कुछ है तब पहला स्टेप करेंगे डिवाइडिंग बाई द कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर ए की वैल्यू वन नहीं है तो पहले, यानी इसमें हमने टू से डिवाइड किया, टू इज द कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद सेकेंड में एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग आफ्टर सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म के बाद जो x का नया कोएफिशिएंट बन रहा है उसके हाफ का स्क्वायर पहले ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। जो फर्स्ट थ्री टर्म्स होगा वो या तो a प्लस बी होल स्क्वायर में होगा या a माइनस बी होल स्क्वायर में होगा, इस तरह उसके बाद हम कैलकुलेशन कर लेंगे। हाँ, कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथ, या टोटली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथ, विदाउट कैलकुलेशन यू कांट डू एनीथिंग इन मैथ, सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू इंक्रीज योर कैलकुलेशन, टू इंक्रीज योर कैलकुलेशन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। वीडियो को पास करके आराम से इसे नोट कर सकते हैं और इस पर हम लोग क्वेश्चन कुछ और एक लगा लें, ठीक है। अब इसी को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करेंगे, इसी पे हम नेक्स्ट में अभी हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं 4.3 के। देखिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं दोनों। क्वाड्रेटिक फार्मूला उससे भी समझ में आ गया, क्या द बेसिक कॉन्स जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये। अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे कैसे आएंगे, देखिए डिवाइडिंग बाय, समझ जाए फिर समझ जाएंगे, डिवाइडिंग बाय ए, ए क्या है, जो फर्स्ट स्टेप मैंने भी लिखवाया था, पहला स्टेप है एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट से डिवाइड करना है, डिवाइड करके ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो बाई ए जीरो हो जाएगा, ए बाई ए से ए कट गया, बी बाई ए सी बाई जीरो बाई ए जीरो हो गया। अब एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या, न्यू कॉफिशियंट ऑफ एक्स के हाफ का स्क्वायर आफ्टर सेकेंड टर्म, मैंने लिख पाया ना कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द हाफ ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ, यानी कि जो न्यू कॉफिशियंट ऑफ एक्स है उसके हाफ का स्क्वायर एड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आफ्टर सेकेंड टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, यहां प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर माइनस बी बाई टू ए का स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू ए सेकेंड टर्म के बाद। अब जो फर्स्ट थ्री टर्म्स ये देखिए कॉन्ट्रा द लाइन, मैं समझाने के लिए ये हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू। अब देखिए इन सबको उधर ले जाएंगे, एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, माइनस जाके प्लस जाएगा प्लस जाके माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर, इसका क्या होगा एलसीएम, ये बी स्क्वायर रहेगा यहाँ आ जाएगा फोर ए सी, ए सी डिवाइड करेंगे तो यहाँ फोर ए बचेगा फोर ए सी, तो x प्लस ध्यान देना बेटा x प्लस बी बाई टू ए हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, रूट स्क्वायर हटेगा रूट, हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर का टू ए हो जाएगा। अब यहां देखो क्या आया, एक्स प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू, सुधर ले जाए ये प्लस बी बाई टू ए क्या हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, एलसीएम सेम हो जाएगा 2a, यहां बचा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल। इसको हम या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल कहते हैं। तो यहां भी हमने आपको एक तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैंने आपको बता दिया। उसमें करना क्या है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट से डिवाइड करना है अगर वो वन के अलावा कुछ है तो। उसके बाद एक्स का जो नया कॉफिशियंट आ रहा है उसके हाफ का स्क्वायर आफ्टर सेकेंड टर्म पहले एड करना है फिर सबट्रैक्ट करना है। उसके बाद जो फर्स्ट थ्री टर्म्स मिलेगा आपको, अगर सब प्लस में दिख रहा है तो ये प्लस बी होल स्क्वायर, अगर बीच वाला माइनस में दिख रहा है तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ट्रू। उसके बाद कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन शुड बी स्ट्रांग, इफ यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस देन योर कैलकुलेशन बी स्ट्रांग। अगर आप कैलकुलेशन स्ट्रांग करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग, सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज इन योर ओन लाइफ इन एनी वन हैविंग यूजुअल लाइफ without practice can't do anything in any area in any subject, so dear students you have to do a lot of practice, and in 10th class in 12th class in our next competitive exams without practice you can't do anything, so you have to do a lot of practice, and also I request you have to like share and subscribe my channel my videos and share। इसी उम्मीद के साथ अब नेक्स्ट में हम 4.3 की एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मैं लगवा चुका हूं, उसके बाद क्वेश्चंस लगवाऊंगा और आपकी बातें फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप उससे शेयर कर सकते हैं। यहां पे मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैंने समझा दिया आपको, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहे करवाते रहिए, इसी उम्मीद के साथ स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, थैंक यू।